फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए व्हाई यू नीड ए बूटेबल यूएसबी। आपको एक बूटेबल यूएसबी क्यों नेसेसरी है? आपका पीसी में विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए। आपका पीसी में विंडोज 10 चल रहा है तो विंडोज 10 को आप विंडोज 11 पे अपग्रेड कर सकते हो, या आपका विंडोज में कोई दिक्कत हुआ तो आपको विंडोज को पूरी तरह से अपडेट कर सकते हो। तो आपको नेसेसरी क्यों है एक बूटेबल यूएसबी का? आपका पीसी को फॉर्मेट करने के लिए या विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए। आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में 10 पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, तो अच्छा से वीडियो देखना। पॉइंट नंबर 1, अगर आप चाहते हो आपका पीसी में क्लीन विंडोज इंस्टॉल करना, किसी भी विंडोज हो सकता है, विंडोज 7, विंडोज 10 या विंडोज 11, क्लीन विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको एक बूटेबल यूएसबी नेसेसरी है। और पॉइंट नंबर 2, बहुत सारा विंडोज के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि विंडोज अपग्रेड नहीं होता है। आप हो सकता है कि विंडोज 10 से विंडोज 11 पे अपग्रेड किया, उसके बाद आपका जो विंडोज है विंडोज अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बूटेबल यूएसबी के साथ आपका पीसी में विंडोज को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकता है कि आपको विंडोज में काम ही नहीं कर रहे, सडनली काम करना पूरी तरह से स्टॉप किया। कोई बहुत सारा सॉफ्टवेयर है इस रिगार्डिंग, आप हो सकते कि आप विंडोज को अपडेट किया उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस टाइम आपको एक बूटेबल यूएसबी के साथ आपको पीसी को फॉर्मेट करना होगा। और पॉइंट नंबर 4, बहुत सारा विंडोज के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि आप विंडोज को अपडेट कर रहे हो मगर सडनली आपका जो विंडोज है विंडोज 10 या विंडोज 11 हो सकता है वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बूटेबल यूएसबी के साथ आपका पीसी को फॉर्मेट करना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बहुत सारा विंडोज के साथ ये प्रॉब्लम आता है। हो सकता है कि आप गेम खेलती हो, सडनली आपका जो गेम है वो गेम रन ही नहीं हो रहा है, गेम ओपन नहीं हो रहा है। बहुत सारा हो सकता है कि आप ऑनलाइन बेसिस बहुत सारा गेम खेलते हो, वो गेम ओपन नहीं हो रहा है सडनली। तो विंडोज को अपडेट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इस टाइम आपको एक बूटेबल यूएसबी के साथ आपको पीसी को फॉर्मेट करना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, बहुत सारा विंडोज के साथ ये भी प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पर जो एंटीवायरस है एंटीवायरस काम ही नहीं कर रहा है। आपका पीसी में बहुत सारा कुछ वायरस ऑटोमेटिकली आ गए हैं, आप स्कैन कर रहे हो मगर फिर भी एंटीवायरस काम नहीं कर रहे, वायरस आउट नहीं हो रहे। तो इस रिगार्डिंग आपको एक बूटेबल यूएसबी चाहिए, बूटेबल यूएसबी से आपको पीसी को पूरी तरह से फॉर्मेट करना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, बहुत सारा विंडोज के साथ ये प्रॉब्लम आता है, आपका जो सी ड्राइव है जिस ड्राइव में आपका विंडोज है उस ड्राइव पूरी तरह से भर गया, रेड करके शो कर रहा है मगर आपका पीसी में कुछ भी नहीं है, कोई एक वीडियो भी नहीं है मगर फिर भी वहाँ पर रेड करके शो कर रहा है। इस रिगार्डिंग आप विंडोज का रन ऑप्शन से बहुत सारा कुछ कमेंट लिखने के बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डिलीट किया, बहुत सारा फाइल को डिलीट किया मगर फिर भी आपका जो सी ड्राइव है वो क्लीन नहीं हो रहा है, सी ड्राइव पूरी तरह से रेड करके शो कर रहा है। तो इस टाइम आपको एक बूटेबल यूएसबी से आपका पीसी में विंडोज को इंस्टॉल करना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, लगभग 80% विंडोज के साथ ये प्रॉब्लम आता है, ब्लू स्क्रीन। हो सकता है आपका पीसी में ब्लू स्क्रीन आ जाता है, आप कुछ काम कर रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो या कोई साइट में जा रहे हो, सडनली विद इन हाफ एन आवर या 10 मिनट्स में ब्लू स्क्रीन दिखा देता है, आपका पीसी ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक बूटेबल यूएसबी से आपका पीसी में विंडोज को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आपका पीसी को विंडोज को अपडेट किया तो 90% चांस है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, सभी विंडोज के साथ एक टाइम ये प्रॉब्लम आता है, आपका जो विंडोज है वो स्लो हो गया। हो सकता है कि आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन हाई लेवल है, i7 या i9 12, 13, 14 जनरेशन, 32 GB या 64 GB रैम, मगर फिर भी आपका पीसी का जो विंडोज है वो स्लो हो गया। बेसिकली ये प्रॉब्लम आता है आपका विंडोज को टाइम के साथ साथ आप अपडेट करते हो, उसके साथ साथ आप बहुत सारा कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर बहुत सारा कुछ फाइल ऑटोमेटिकली गैदर होता रहता है आपका विंडोज के साथ, तो धीरे धीरे करके आपका विंडोज बहुत ही स्लो होता है। पीसी का रन सॉफ्टवेयर में बहुत सारा कमांड है, उस कमांड को लिखने के बाद कुछ हद तक उसका स्पीड सही कर सकता है मगर उसका 100% स्पीड पाने के लिए आपको एक बूटेबल यूएसबी से आपका पीसी को फॉर्मेट करना होगा। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट नंबर 10, आपका पीसी का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, आपका पीसी का जो वाईफाई है वो काम नहीं कर रहा है, आपका पीसी का जो ब्लूटूथ है वो डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद भी काम नहीं कर रहे। तो इस टाइम आपका पीसी को फॉर्मेट करना होगा एक यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव से। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में बोलने का कोशिश की कि व्हाई यू नेसेसरी ए बूटेबल यूएसबी, आपको एक बूटेबल यूएसबी क्यों चाहिए आपका पीसी को फॉर्मेट करने के लिए। तो यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेंशन करने का कोशिश किया। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।